नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। और मेरी नज़र में इतिहास के पन्ने। पिछले दिनों संसद में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को लेकर बहस चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बहुत निंदनीय है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के कारणों की अभी तक तहकीकात नहीं हुई है। इससे पहले बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जनसंघ के संस्थापक की मृत्यु एक षड्यंत्र का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा था कि जवाहरलाल नेहरू इस षड्यंत्र में शामिल थे। तो सवाल यह है कि अगर वाकई कोई कॉन्स्पिरेसी थी और कांग्रेस या बाकी पार्टियों की सरकारें इसमें शामिल थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल से छानबीन का आदेश क्यों नहीं दिया? और फिर नरेंद्र मोदी जी भी तो 5 साल से प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं, तो अब तक क्यों नहीं इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ? दरअसल बीजेपी मुखर्जी की जिंदगी का बस एक पहलू देश के सामने पेश करना चाहती है। उनके नेताओं को लगता है कि मुखर्जी की जिंदगी का आखिरी दौर कश्मीर में बीता था और उसको दोहराते रहें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हो। आज बीजेपी मुखर्जी से जुड़ा एक नारा दोहराती रहती है, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इन लोगों की सियासत भी अजीब है कि एक तरफ बीजेपी मुखर्जी के मृत्यु की छानबीन की बात करते हैं और दूसरी तरफ मार्च 2015 में जब बहुत धूमधाम के साथ पीडीपी के सरकार के साथ सरकार बना लेती है, तब ना ही किसी षड्यंत्र की बात और ना ही बीजेपी के कश्मीर में अपने प्यारे नारे को दोहराया गया, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुखर्जी संघ परिवार के गिने चुने नेताओं में से हैं जिनका मूल्यांकन कई पहलुओं से किया जा सकता है। दूसरे नेताओं की तरह उनको एक ही रंग में नहीं ढाला जा सकता। आज बीजेपी किसी भी विषय से जुड़े सारे पहलुओं को छिपाकर केवल ब्लैक एंड व्हाइट में प्रचार करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक रईस खानदान में जन्मे और सारी जिंदगी रईसी में बिताए। एक तरह से वो नामदार थे। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी, सर आशुतोष मुखर्जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। अपने पिता के लेगेसी के वजह से बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। वाइस चांसलर बनने के बाद उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम किया और स्वदेशी शिक्षा पर जोर डाला। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की शिक्षा संस्थाओं से ऐसे छात्र निकल के आए जो देश के जो लोकल बॉडीज और जो लेजिस्लेटिव बॉडीज थे उसमें नेतृत्व प्रदान कर सकें। उन्होंने बांग्ला भाषा के लिए बहुत काम किया, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी उनकी सराहना की। लेकिन मुखर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी। उनको कांग्रेस और गांधी जी से राजनीतिक डिसएग्रीमेंट थे, खासकर कांग्रेस और गांधी जी के जन आंदोलन के तरीकों से, मास एजिटेशन से उनको बहुत तकलीफ थी। मुखर्जी विनायक दामोदर सावरकर से प्रभावित हो गए और महासभा, हिंदू महासभा के नेता बन गए। ये वही दौर है जब बंगाल में कम्युनलिज्म ने अपने पैर जमा लिए थे। उसी समय दूसरा विश्व महायुद्ध छिड़ जाता है और अंग्रेज हुकूमत ने सावरकर की मदद मांगी। सावरकर और मुखर्जी ने इस पर एक दूसरे से चर्चा की और फिर यह फैसला किया कि हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होना चाहिए, उसमें वॉलंटियर करना चाहिए। ऐसा होने से हिंदुओं को हथियार चलाने की अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाएगी और वो मुसलमानों से टक्कर ले सकेंगे। धीरे धीरे मुखर्जी पूरी तरह से हिंदूवादी नेता बन गए और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बन गए। मुखर्जी की हिंदूवादी राजनीति को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको 1940 में लाहौर में एक अपनी सभा में बुलाया। वहां मुखर्जी ने कहा, आई सी इन दी RSS वन सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउडी स्काई ऑफ इंडिया। अचानक से 1941 में मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट मैरिज का एक अहम इंस्टेंस था।
बंगाल में सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर था। एक तरफ मुस्लिम लीग मुसलमानों को एकजुट कर रही थी और दूसरे तरफ हिंदू महासभा हिंदुओं को अपना समर्थन लेने के लिए उनकी तरफ रुख कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन हिंदुस्तान में शुरू हो गया पर हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया और मुखर्जी बंगाल की सरकार में बने रहे। जब वो समझ गए कि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चली है और उनको एक ब्रिटिश सपोर्टर के तौर पे देखा जा रहा है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मार्च 1946 में बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए और हिंदू महासभा का सफाया हो गया। बंगाल से एकमात्र सीट मुखर्जी को मिली और वो भी नॉन इलेक्टिव यूनिवर्सिटी कोटा से। यानी मुखर्जी जनता से नहीं चुने गए बल्कि अपनी गद्दी की वजह से उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट हासिल की। बंगाल में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन प्लान पर घंघोर हिंसा हुई। इस हिंसा में मुखर्जी ने हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के पार्टीशन के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल थे। कांग्रेस और गांधी जी से श्यामा प्रसाद के मतभेदों के बावजूद और ये जानते हुए कि मुखर्जी ने पहले सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिलाया था, नेहरू ने उनको अपने इंटरिम सरकार में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। ये नेहरू का एक तरह से नेशनल गवर्नमेंट बनाने का एक अटेम्प्ट था। मुखर्जी ने सावरकर से अनुमति मांगी और नेहरू के कैबिनेट में उद्योग मंत्री या इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर शामिल हो। आज़ादी के बाद भारत के एक और भूतपूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने मुखर्जी की तारीफ की, खासतौर से उनके मिनिस्ट्रियल टेन्योर की। उन्होंने कहा कि डिस्पाइट बीइंग एन आर्डेंट बिलीवर इन द प्राइवेट सेक्टर ही एस्टैब्लिश्ड आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन मंत्री होने के बावजूद मुखर्जी अपने सरकारी निवास पर अक्सर हिंदू महासभा का परचम लहराते थे। गांधी जी के हत्या के बाद मुखर्जी ने सावरकर को बचाने की भी कोशिश की। उन्होंने अपने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को कहा, आप नेहरू से मांग करें कि भारत से मुसलमानों को निकाल दिया जाए। धीरे धीरे मुखर्जी और नेहरू में दूरी बढ़ती गई और उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में रिजाइन कर दिया। मुखर्जी ने हिंदू महासभा से भी इस्तीफा दे दिया और सावरकर से एसोसिएटेड होना बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन आज़ाद भारत में अपने आप को राजनीतिक तौर पे रिलेवेंट रखने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के साथ हाथ मिलाकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बन गए। लेकिन पहले आम चुनाव में जनसंघ ने बहुत खराब प्रदर्शन किया। इसके बावजूद संसद में मुखर्जी एक मजबूत विपक्ष नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। संसद में इतने कम नंबर होने के बावजूद मुखर्जी का विपक्ष की एक बुलंद आवाज उनकी मजबूती और उनका स्किल को तो दोहराता भी है लेकिन नेहरू के बड़प्पन को भी अंडरस्कोर करता है। आज के भारत में जिस तरह से संसद में नंबर्स ट्रेजरी बेंच और ऑपोजिशन में एक बिल्कुल डिसबैलेंस में है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण है याद करना कि किस तरह से नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इतने कम नंबर होने के बावजूद भी एक ऑपोजिशन लीडर का दर्जा दिया और रेस्पेक्ट दिया। मुखर्जी बहुत ही प्रैग्मैटिक राजनीतिक नेता थे। जब नेहरू सरकार में वो मिनिस्ट्री में शामिल थे उसी समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर बहस हुई और उसको एक्सेप्ट किया गया। उस समय मुखर्जी ने कोई विरोध नहीं किया, पूरा ऑपोजिशन पोस्ट फैक्टो हुआ। 1952 के हार के बाद जनसंघ और आरएसएस ने नए मुद्दे उठाए। गौरक्षा और कश्मीर उनमें से सबसे अहम मुद्दे थे। कश्मीर में प्रोहिबिटरी ऑर्डर को डिफाई करने का फैसला तो मुखर्जी ने किया लेकिन इसको किसी भी तरह से मास सपोर्ट से बैकअप नहीं किया। इसकी वजह से जो आंदोलन छेड़ा गया उसमें सिर्फ नेता थे, जनता नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली इसी दौर में उनका निधन कस्टडी में हो गया। नेहरू ने संसद में दुख प्रकट करते हुए कहा कि इन एनी इवेंट हिज पासिंग वुड हैव बीन सैड एंड ग्रेट ब्लो टू दिस हाउस इन द कंट्री,
but in the particular circumstances in which it took place naturally. This has added to our sorrow. तो कहाँ गई षड्यंत्र की बात? आज बीजेपी के लिए मुखर्जी की स्मृति अहम है, मगर जब जरूरत नहीं होती तब उनको याद नहीं करती है पार्टी. मुखर्जी हिंदुस्तान के अग्रणी नेताओं में से एक थे. उनका वर्ल्ड व्यू इंक्लूसिव नहीं था. वो सिविल वॉर तक की बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सिविल वॉर हो तो हिंदू जीत जाएंगे. आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भागीदारी भी नहीं थी. एक तरह से बिल्कुल ब्लैंक स्लेट था, मिसिंग थे. इस सब के बावजूद मुखर्जी एक मल्टीफेसेटेड नेता थे. उनको कश्मीर तक सीमित करके बीजेपी उनके कंट्रीब्यूशन और योगदान को बहुत ही लिमिट कर देते हैं. तो ये थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातें इस एपिसोड में. हम अगले एपिसोड में इतिहास के किसी और पन्ने को खोलेंगे और उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे.